नमस्कार, मैं रीनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम कलसाड़ा में नदी किनारे 5 दिसंबर को 55 साल के एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इस मामले में कानवन पुलिस ने किया पर्दाफाश। एडिशनल एसपी ओंकार सिंह कलेश ने बताया कि आरोपियों ने उधार लिए 4 लाख रुपए देने के बहाने उक्त व्यक्ति को बुलाया था और लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद शव को मोहिनी नदी के किनारे फेंक दिया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त लाठी व बाइक जब्त की है। 5ों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। देखें खबर इसके पिलाई न्यूज पर। रामलाल जो है पंचनपुरी निवासी जो है, उसको वो पैसे उधार दिए हुए थे, तो पैसे उधार दिए पूनमचंद नाम के व्यक्ति, उन्होंने पैसे लेने के लिए बुलाया था। वो वापस लौट के नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद हो गया था। इस पर से थाने में गुमनसान कायम किया गया और गुमनसान कायम के बाद में जांच की गई, तो जांच में पता लगा कि दूसरे अगले दिन पता लगा कि वो उसकी बॉडी रेशम केंद्र का पास पड़ी हुई है। तब पूरा जाकर इन्होंने देखा बॉडी शिनाख्ती हुई रामलाल की। जब पूरा जांच में अंदर गए तो रामलाल ने पूनमचंद चौधरी को 4 लाख रुपये उधार भी दिए हुए थे। ये उधार रुपये लौटाने के बहाने उसने बुलाया था मोबाइल के जरिए, और बाद में जब उनके पास पहुंच गया तो उन लोगों ने पहले से योजना बना के रखी थी। योजना तरीके से मोटरसाइकिल पर ले जाए और रेशम केंद्र के पास ले जाकर और उनकी लाठी से हमला करके रामलाल की हत्या कर दी। सर, हत्या का उद्देश्य सिर्फ पैसे था या पैसा अन्य कोई कारण था? 4 लाख रुपया एक तो लेन देन था, दूसरा फिर रामलाल के जो है लड़का कृष्णा, उसके लड़के की सगाई, दोनों सगाइयाँ उनके यहाँ पर हुई थी, वो दोनों सगाइयाँ भी तोड़ दी गई थी। दोनों तरह से एक पैसा देना नहीं पड़े 4 लाख रुपया और दूसरी सगाई तोड़ के हमारी समाज की बदनाम, समाज में हम लोगों की बदनामी करी, ये दो तरह के कारण सामने आए और इन्होंने लाठी से पीट कर उनकी हत्या कर दी और उधार के पैसे वापस देने के बहाने बुलाकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या करके और लाश को छुपाया। सर, इसमें कौन कौन सम्मिलित है, कितने व्यक्ति सम्मिलित है? इसमें कुल मिला के 5 आरोपी, एक तो पूना चौधरी एक ये है, दूसरा बाबूलाल चौधरी, तीसरा घिसालाल और चौथा कृष्णा, पांचवा दिनेश। 5ों आरोपी पुलिस ने रद्द कर लिए, न्यायालय पेश किया है, जहाँ से न्यायालय की हिरासत में भेजा जाए। सर, पुलिस को इस घटना का सुराग कैसे लगा? पैसे के लेन देन की बात थी, उधार पैसे 4 लाख रुपये देने के बहाने आरोपियों ने बुलाया था और उसी सुराग पर से पुलिस ने जांच प्रारंभ की, मोबाइल के जरिए बुलाया तो फिर उनको शक के गहरे में पहले से थे, तो उनसे जब बारीकी से पूछताछ की गई तो टूट गए आरोपी और उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया।